मोदी और योगी की जोड़ी ने बिहार में कमाल कर दिया, वह भी इस कदर कि अधिकांश कायस धरे रह गए। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री की जनसभाओं वाले इलाकों में एनडीए की जबरदस्त जीत दर्ज की। योगी के प्रचार वाली 19 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते या निर्णायक बढ़त हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के 4 दिनों में कुल 12 रैलियां की। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया, भागलपुर, 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना, 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, छपरा और समस्तीपुर, 3 नवंबर को आखिरी चरण में प्रधानमंत्री ने पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मोदी के चुनाव प्रचार के प्रभाव के क्षेत्र में शामिल बिहार की 101 सीटों में से 59 पर एनडीए के उम्मीदवार जीत कर चुके हैं या निर्णायक बढ़त हासिल कर चुके हैं। योगी की आंधी में रजत और कांग्रेस के कई पुराने गढ़ भी जमींदोज हो गए। बिहार के 17 जिलों के 75 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम पर योगी इफेक्ट साफ दिखा। इनमें से करीब 50 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज करने की राह पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में कुल 19 रैलियां की थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के व्यस्त कार्यक्रम और बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की जबरदस्त मांग के बीच सीएम योगी ने ताबड़तोड़ अंदाज में जनसभाएं की। जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोलने के साथ योगी ने अपनी जनसभाओं में अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास और कश्मीर में धारा 370 हटाने को बड़ा मुद्दा बनाया। सीमांचल की जनसभाओं से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और धार्मिक फतवों के खिलाफ करारा प्रहार कर योगी ने खास तौर पर हिंदू युवाओं को रजक के साथ लामबंद करने का काम किया। योगी ने 20 और 21 अक्टूबर को कैमूर के रामगढ़, अरवल, रोहतास की काराकट, जमुई, भोजपुर की तरारी और पटना के पीलीगंज में जनसभा कर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। 28 और 29 अक्टूबर को योगी ने सिवान के गोरियाकोठी, पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया, सिवार के दरौंदा, वैशाली के लालगंज, मधुबनी के झांझरपुर की जनसभाओं में भारी भीड़ जुटाकर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत लगभग तय कर दी थी। 2 नवंबर को योगी ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, रक्सौल, सीतामढ़ी में रैली की तो 4 नवंबर को कटिहार, मधुबनी की विस्फी, दरभंगा को की केवती और सहरसा की सिमरी, बख्तियारपुर विधानसभा की जनसभा से आखिरी पंच लगा दिया।